Hi, my name is Shafali, और आप सुन रहे हैं 9XM Song Secret on Epilogue Media. You can listen on Epilogue Media website or on your favorite podcast streaming apps. इस podcast में हम बात करते हैं आपके कुछ favorite songs की और उन songs के पीछे के interesting secrets की. और best part पता है क्या है? ये secrets सुनाते हैं इन songs के पीछे के artist, like singer, composer या फिर lyricist. आज इस podcast में मेरे साथ एक ऐसे singer हैं जिनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है एंड मैं उनको रियलिटी शो से फॉलो करती आई हूँ. एंड नाउ फाइनली आई हैव हर ऑन माय पॉडकास्ट इज हिमानी कपूर. हिमानी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट 9XM सॉन्ग सीक्रेट. हाय हाय हाय, आई एम वेरी वेरी डिलाइटेड टू हैव माय सेल्फ हियर इन योर शो. आई मेंशन आई लव योर वॉइस एंड फ्रॉम सारेगामा, सिंस सारेगामा पा I'm following you, your singing, everything about you is like, आपकी voice बहुत अलग sound करती है. So Himani, the first song जिसके secret से हम इस podcast की शुरुआत करेंगे, that song is one of my favorite, especially जब आपका उस गाने में part आता है, मतलब वो गाना कहीं और ही चला जाता है, and that is जोगी माही. What a beautiful song by विशाल शेखर, and especially I'm not kidding, it's just like आपसे मैं बात कर रही हूँ, but आपका especially जब वो part आता है ना, it's वो गाना कहीं और ही चला जाता है. So tell me the secret behind जोगी माही, जब आपने गाना dub किया, जब गाना release हुआ, कैसे-कैसे messages आए, क्या हुआ, tell me about that. इस गाने में एक तो ये गाना हमने रिकॉर्ड किया है, I guess 2009 में बचता है सीनो आई थी. तो उसमें दो तरह की आवाज मैंने यूज की है, जिसमें एक वो जो बिगनिंग का पार्ट आता है, हो जाने कहा या मुंह हो गए फिर ना मिले जो, दिस वन. तो ये लाइंस जो है ये फॉल्स में गाई हैं, फॉल्स टोन में गाई हैं. और उसके बाद जब वो पढ़ा था, प्यार मांगा था मैंने रब से, वो रहता था यहीं पे, मांगू मैं यही दुआएं लौटाए वो कहीं से, ओ छड़ दे बेजिद हुन छजे उते आ जा हुन दिल टुटा जांदा सुन प्यार डुलिया. तो ये जो पार्ट है ये मेरी ओपन वॉइस है, बिकॉज वो जो शुरू की दो लाइंस जो थी उस वो उनका रेंज काफी ऊपर था, उनका सुर काफी ऊपर था, तो उसमें आई चोज टू सिंग इन फॉल्स. एंड आफ्टर दैट व्हेन इट केम टू दिस पार्ट, तो आई यूज्ड माय लोअर ऑक्टेव एंड फुल थ्रोटेड वॉइस. ओके, सो व्हेन यू डब दिस, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका विशाल शेखर के साथ? इट वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस और आप पहले भी उनके साथ काम करती आई हैं, सो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा था कि जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम आपका गाना डब करने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट सुनाया, व्हेन यू हर्ड योर वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स वेरी वेरी हैप्पी. सो विशाल शेखर के साथ मेरा पहला काम था ये, और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात थी कि खुशी की बात थी कि सिद्धार्थ सर जिनकी मूवी है, उसे डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने वो चाहते थे कि मैं इस फिल्म में एक गाना मुझसे गवाया जाए, बिकॉज उन्होंने भी सारे गाँव में फॉलो किया था. दैट्स व्हाट विशाल टोल्ड मी. आफ्टर दैट विशाल शेखर हैड कम इन अ रियलिटी शो एज अ जज कॉल्ड जो जीता वही सुपरस्टार, जिसमें हम सारे रियलिटी शो के जो विनर्स वगैरह थे उनका मिलके एक आपस में एक रियलिटी शो बना दिया था, जिसमें सारे एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, इंडियन आइडल के, फेम गुरुकुल के, सारे गामा पा के, और एक मतलब दो तीन शोज का मिला के जितने भी विनर्स थे उनको मिला के एक शो हुआ, जिसमें विशाल एंड शेखर वर द जजेस एंड फरा मैम. तो तब वो शो चल ही रहा था, जिसके बीच में मुझे विशाल ने बताया कि हिमानी दैट जोगी माही इज अबाउट टू रिलीज नाउ, एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड, एंड आई गॉट कॉपीज ऑफ द सीडीज थे उस टाइम पे, कॉपीज आई गॉट 5 CDs फ्रॉम यशराज ऑन माय एड्रेस कुरियर से, और एक थैंक नोट था जो मैंने फ्रेम करा के लगाया हुआ है आज तक. तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, एंड व्हाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग रणबीर कपूर हैड ऑल्सो कम, एंड आई वॉज I still have its picture. I've never put it on the social media because I look like, I mean, I don't know. I had tail on in my hair.
and I was wearing spectacles and just anything. I was wearing anything, and suddenly Ranbir Kapoor appeared. I'm like, अरे यार मैं कैसी लग रही हूँ. But anyway, मैंने उनके साथ पिक्चर क्लिक करी जो मैंने आज सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए रखी हुई है. I've not shared it anywhere. But so this was my got a chance to meet Ranbir Kapoor, but it's okay. And I did. आपका like you just mentioned कि आप हमेशा you know एक अलग लुक में रहती थी and आपका वही लुक I think आज तक लोगों को याद है. मतलब there are saying कि ऐसा it's right or wrong, but आप उन contestants में से हैं सारे गामा के reality shows से जो आज तक लोगों को याद है. मतलब ऐसा है आज भी लोग कहेंगे because when I met you for the first time I was like you know for me it was a fan moment though I didn't mention. But I was like, oh my God, I used to see her on reality shows and I loved her voice and now she's sitting with me. And it was for me, it was a fan moment. So, thank you so much. सारे आप live shows करती हैं. For an artist, it's a very beautiful feeling कि जब audience आपका गाना accept करती है, आपके साथ गाती है, वो feeling शायद words में बयान ना कर पाएं आप, या कोई भी artist नहीं कर सकता. So, आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी जब आप अपने खुद का सॉन्ग स्टेज पे गाती हैं, ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है? I always begin my show with Dum Dum Mast Hai because it's a very very hit, it's a very big hit. और मेरे I think मेरे करियर का सबसे बड़ा गाना आज तक जो हिट है वो यही है, Dum Dum Mast Hai. तो I always begin my show only with this song. And whenever I'm like, I'm entering the stage and I'm singing, while singing this song, there's a lot of hooting being done. They're like happy, people are cheering up and a few people even come and join me to dance also. So it's an amazing feeling seeing people dancing on your song, the song that you have sung, and you know, seeing people singing along the song that you have sung. It's a great feeling, really. Like you said, words में बयां कर नहीं सकते उस feeling को. वो feeling बस महसूस की जाती है. Yeah. एक satisfaction होती है एक life की ना. वो जब show finish होता है, live show जब खत्म होता है और लोग खुश होते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने कितना enjoy किया, तो वो feeling ही इतनी amazing होती है. ये सोचे कि हमने किसी को enjoy कराया, हम किसी के joy का reason बने. Bilkul, you know, bilkul. There's so much of stress going around these days. Too many people are in depression. Mein hai, koi stress bahut zyada chal raha hai, anxiety bahut chal rahi hai. Aise mein agar aake music, aur khaskar mera music, agar aapko heal kar sake, ya aapko nacha sake, ya aapko mere saath gawa sake, to I think it's a very, very big achievement for me. I know. And हम लोग एक्चुअली उन लकी लोगों में से हैं बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट पैशन बट सम आर द अदर वे वो 9 to 5 की जॉब करने में लोग बिजी हो जाते हैं बट अपना पैशन को भूल जाते हैं. जैसे हम लोग को अगर रिलैक्स होना होता है तो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, है ना. बट हम लोग है कि म्यूजिक के लिए काम करते हैं. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग कि आपने म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन चूज किया क्योंकि लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं और आपका प्रोफेशन ही म्यूजिक है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग. And you just mentioned about Dum Dum song, and it's again a very good for hit song. So it was a collaboration with Salim Suleiman, and unke saath hi maine fought. And Salim sir is such a sweetheart. Matlab, he's very sweet person. Matlab, agar thoda sa delay bhi hota hai interview ke liye, used to message ki, you know, main 10 minute late chal raha hu ya main 5 minute late chal raha hu, because he used to follow up throughout. So aapka aane ke saath unke saath kaisa connection baitha? कैसे अप्रोच किया गया आपको इस गाने के लिए? इस गाने की स्टोरी बताइए. फेसबुक नया आया था 2008 में. या यू नो सो फेसबुक पे सलीम वाज देयर. सलीम सो आई सेड आई थॉट कि इज दिस द सेम सलीम ऑफ सलीम सुलेमान. यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइंस एंड देन आई फिगर्ड आउट अच्छा हां दिस इज ओनली. उस टाइम पे जस्ट इंटरनेट बिगिन ही हुआ था. 2005 सारे गांव पा में जब हम आए थे, जस्ट इंटरनेट साइबर कैफेज हुआ करते थे उस टाइम पे. अब तो हर घर में वाईफाई और 5G 4G क्या क्या हो गया, बट उस टाइम पे पता नहीं था कि कौन हु लुक्स लाइक हु. आई मीन सलीम सुलेमान की शक्ल नाम सुना है, गाने सुने हैं, पसंद कर रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं आई वॉज नॉट श्योर. सो आई वेंट एंड आई चेक हाउ दे लुक एंड देन आई रिकनफर्म्ड इफ दिस इज द सेम सलीम. मे बी किसी ने अगर
फोर्ज अकाउंट बना के रखा हो, यू नो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फेक अकाउंट्स ऑन योर नेम. तो मैंने ऐसे ही एक मैसेज ड्रॉप किया उनको वहां पे डीएम में कि हाय सर, दिस इज हिमानी एंड आई रियली एडमायर योर वर्क एंड एवरीथिंग एंड आई वुड लाइक टू सेंड यू माय डेमो आल्सो, एंड आई जस्ट रोट इट लाइक दैट एंड देन ही रिस्पोंडेड. He said, "Hi, don't call me sir. I'm Salim, and just send me your demo on this address. Or why again CD? Bana ke rakhi thi demo ki, aur wo usko courier karwaya Salim ke studio mein. Uske baad kuch ek ya do mahine baad unka DM aaya again. Hi, please share your number with me. I need to try a song in your voice." Yeah, so that's how it happened, through Facebook. Thank you, Facebook. So I went to the studio and then I dubbed the song, and both these songs, Jogi Mahi and Dam Dam Mast, both the songs were recorded in Yashraj studio, which is also a very big thing. Yashraj studio, jab main pehli baar gayi thi, and I was like, wow, ye wahi Yashraj studio hai. Jo hum filmon mein dekhte aaye hain, Yashraj films mein hum dekhte aaye hain, wo sab yahi banti hai, wo yahi studio hai. To wo ek feeling hi apne aap mein bahut. As I speak about all these incidents, I can still feel them inside. Yeah, I can still feel those feelings, how excited I used to be, and I was very happy to get this song from Salim Suleiman. They were very friendly and they were very okay with you trying your own variations also. Nice. Aaj aap star bane ho, aapne wo journey dekhi hai from being nobody to being somebody. Aaj kal ke time सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, यू नो, एवरीबडी इज बिकमिंग अ सिंगर, एवरीबडी इज बिकमिंग एन ब्लॉगर. मतलब उन लोगों को स्ट्रगल नहीं पता है. हम लोग आपकी बात करें तो आप स्टेप बाय स्टेप गए हो, और आजकल के जो लोग हैं उनको सिर्फ सक्सेस मिली है बहुत जल्दी, उनको वो स्ट्रगल नहीं देखने को मिला है. सो जब आप गिरते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ के जाते हैं, जब वो गिरते हैं तो उनको पता है कि मैं इस सीढ़ी पे गिरा हूँ तो मुझे अब इस सीढ़ी से अपने आप को कैसे संभालना है, क्योंकि एक्सपीरियंस एड ऑन हुए. बट आज के ब्लॉगर्स बन रहे हैं, जो सिंगर्स बन रहे हैं, रातों रात मिल रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग वो डीफेम हो या कुछ भी हो, बट उनको ये नहीं पता कि अगर ये सक्सेस चली जाती है या इंस्टाग्राम चला जाता है तो उनको अपने आप को कैसे हैंडल करना है. सो आपका सोशल मीडिया पे क्या टेक है? मतलब आप सोशल मीडिया को एज अ ब्लेसिंग लेती हैं, या व्हाट्स योर टेक ऑन इट? एक तो शिफाली, आई वुड लाइक टू से कि जो स्ट्रगल, जिस स्ट्रगल की आप बात करो, जैसे हम, आप कह रहे हो कि हमने ज्यादा स्ट्रगल किया, अभी इजीली चीजें अवेलेबल है सबके लिए, उतना स्ट्रगल नहीं है. ये चीज एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने भी हमको बोली है, पता है, कि उनके टाइम पे इतना स्ट्रगल था, अब तुम्हारे टाइम पे रियलिटी शोज आ गए हैं, तुम इजिली रियलिटी शोज में जाके तुम लोग को एक माध्यम मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है. तो उसी तरह से अब रियलिटी शो के बाद अब क्या आ गया, सोशल मीडिया आ गया. अब सोशल मीडिया पे ये अब सारी दुनिया जो है, लॉकडाउन, स्पेशली लॉकडाउन वाज द बिगेस्ट लेसन फॉर अस. दुनिया पूरी की पूरी इंटरनेट में समा गई है. एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट नाउ. द होल लाइफ इज लिविंग, वी ऑल आर लिविंग अ लाइफ ऑन इंटरनेट. अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, वी आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑन इंटरनेट. सो आई थिंक व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाटएवर these people are creating content, and lot of singers are coming up, lot of people are getting opportunities through this social media, which is very, very, I would like to take an example of Yashraj Mukhate, like, you know how he's doing stuff, and it's amazing. So haan, drawbacks hai har cheez ke, pros and cons har cheez mein hote hain, har hi cheez mein. Reality show mein agar hum aaye, usme bhi kuch pros hote hain, kuch cons hote hain. Cons ye hue ki hum bahut choti umr mein humko itna fame mil gaya ki wo sar pe chad gaya. So you know, as har cheez ki ek positive side hai, ek negative side hai. Social media ki positive side, mera gana ek recreation, ek gaane ka kiya humne, Soja Rajkumari, wo Rehman sir tak pahuncha aur unhone suna aur unhone Twitter pe usko share kiya. So Yeah, you saw, right? So, मुझे तो यही लगता है कि भाई अच्छा ही है जो भी है, और उसको बस स्ट्रेस नहीं बनाना है कि अरे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने क्यों नहीं है, ये तो मुझसे भी अच्छा नहीं गा रही है, फिर इसके मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स क्यों है. वो सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए.
सबको, सबके लिए है ये कि वो चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए. आपकी अपनी ऑडियंस है, आपके अपने चाहने वाले हैं. आई थिंक उसी में अपने को ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, जितने मुझे सुनने वाले हैं. अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे जितने भी लोग हैं वो मुझे सुनने वाले हैं और वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मेरा म्यूजिक समझते हैं. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है शेफाली, बिकॉज मुझे नहीं, मतलब मिलियंस में इतने फॉलोअर्स मिल जाएंगे और वो अगर म्यूजिक नहीं सुनेंगे मेरा वाला जो मैं गाती हूँ, वो बोलेंगे कि भाई इस तरह के गाने नहीं चलते. ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि आप कौन से, आप गजलें हम नहीं सुनते हैं क्या, आप हमें गाना सुनाएंगी? मैं गाना भी गा देती हूँ, मैं तो सब कुछ गाती हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हमको अपने आप में, अपने जीवन में और अपने, हमने जो भी, जो कुछ भी हमने पाया है उसमें हम कितने कंटेंट है वो हमारे ऊपर है. दैट्स दैट्स सही बात, कम्प्लीटली ऑन अस, इट्स कम्प्लीटली ऑन अस. वी ओनली हैव टू मेक श्योर दैट वी यूट्यूब डोंट, करेक्ट, या जस्ट डोंट, वी शुड नॉट मेक इट, वी शुड नॉट टर्न इट इनटू एन एंग्जाइटी और स्ट्रेस. की यू शुड एंजॉय एवरी लिटिल लिटिल थिंग्स दैट यू आर गेटिंग, दैट पीपल आर शेयरिंग योर सॉन्ग्स, इफ पीपल आर लाइकिंग योर सॉन्ग्स, दे आर कॉमेंटिंग ऑन इट, बी थैंकफुल. दैट्स इट. बिल्कुल बिल्कुल. जाए. Has become just about numbers. अगर आपके numbers increase हो रहे हैं, तो that doesn't mean कि आपका song भी. It's all about numbers and comments. अगर आपके अच्छे comments आते हैं, you enjoy. One negative Yeah. comment makes it down, and you forget about Yeah. the good. It The shouldn't be other about good comments. the bad, you know. So coming back to your other song, आज जागे रहना. Again a Yeah. beautiful song. एंड जब ये गाना रिलीज हुआ था, तो यू वर पोस्टिंग दैट छोटा छोटा क्लिप, जो भी गाने गा रहे थे, आपका कवर कर रहे थे, यू वर शेयरिंग ऑलमोस्ट, आई थिंक जितने लोगों ने भी गाए, यू वर शेयरिंग एवरी एवरीबडी सॉन्ग. सो Every टेल मी cover, हाँ. दिस, टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग. दिस सॉन्ग सिद्धार्थ जिन्होंने गाना बनाया, सिद्धार्थ भावसार जिन्होंने, जिनका म्यूजिक उन्होंने ही कंपोज किया है, लyrics भी उन्होंने लिखे हैं. एंड ही डिड दिस सॉन्ग व्हेन ही हिमसेल्फ वाज 17 years old. ओके, आई थॉट अब या भी सो पता. ही नहीं, वाह, मतलब व्हेन ही वाज 17 तब उन्होंने कंपोज करके रखा था, लिरिक्स बना के रखे हुए थे. उसको उन्होंने एग्जीक्यूट अभी किया, उसको उन्होंने उसका म्यूजिक अभी बनाया. और मुझे उनका कॉल आया एक दिन की, मानी अ फ्रेंड सरगम, यू नो सरगम, राइट? सो अ फ्रेंड सरगम हैज रेफर्ड योर नेम फॉर दैट, यू नो यू विल सिंग दिस सॉन्ग रियली वेल. एंड आई एम लाइक, सिद्धार्थ, यू नो आई एम अबाउट टू लीव फॉर समवेयर, एंड मुझे, मेरा एक इवेंट था, मुझे वहां जाना था. और मैंने सिद्धार्थ को बोला कि मुझे, बट सिद्धार्थ सेड कि हिमानी इट्स वेरी वेरी अर्जेंट, वो करना बहुत जरूरी है. मैंने उन्हें बोला, सिद्धार्थ मैं जब तक घर से स्टूडियो तक पहुंचती हूँ, आप मुझे गाना भेज के रखो, मैं रास्ते में वो याद करके आती हूँ, याद करते करते आती हूँ. तो पूरे रास्ते में वो गाना सुनते रह गई और लिरिक्स उसके मैंने लिख लिए. लिखते लिख सुनते सुनते लिखते हैं तो जल्दी याद होता है, तो सुनते सुनते अपने आप लिखा उसको, मैं सुनते सुनते जा रही हूँ, पूरे रास्ते में मैंने सुना. और वहां मैं पहुंची, एंड शिफाली आई गेव टू कंप्लीट टेक्स, जस्ट वन गो. वन गो वन टेक, सेकेंड सेकेंड टेक, वन गो वन मोर टाइम. सो दोनों अलग अलग टोन्स यूज किए थे, टेक्सचर अलग अलग यूज किया था, एक थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हस्की यूज किया था, एक थोड़ा नॉर्मल यूज किया था, और दोनों में एक एक बारी गाया था. एंड इट ओके, वॉज डन, इट वॉज डन राइट देन, लाइक इन विद इन 20 to 25 minutes द सॉन्ग वॉज डन. और मेरे लिए अमेजिंग. ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, एंड आई वाज लाइक प्रोबेबली. It's not a easy song. It has lot of variations. नीचे ऊपर, it has lot of variations. सी शिवाली, दैट्स व्हाट आई लव टू डू, दैट्स व्हाट इज माय कैरेक्टर, दैट्स व्हाट इज समथिंग व्हिच आई एंजॉय इन डूइंग. सो प्रोबेबली गॉड हैज गिफ्टेड मी दैट थिंग, यू नो, कि इसको अगर आड़ा टेढ़ा कॉम्पोजिशन देंगे तो ये थोड़ा कर लेगी, बट इतना भी, इतनी भी टेढ़ी नहीं है जितनी मेहदी हसन साहब की गजलें या गुलाम अली खान साहब की गजलें. हमें सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, एक एक गजल को उनको 10 10 दिन, 12 12 दिन लगातार सुनना पड़ता है, तब जाके 13वें दिन थोड़ी सी गानी आती है, यू नो. सो वो एक प्रैक्टिस में है मेरे की आई लव टू टेक डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन एंड आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ, बट दिस वन, दिस पर्टिकुलर मेलेडी, आज जागे रहना, वो सो ब्यूटीफुल.
इट वॉज सो अमेजिंग, इट वॉज सो हार्ट फेल्ट. एंड आई एम श्योर जब जिस स्टेट में सिद्धार्थ रहे होंगे और उन्होंने इसको लिखा और बनाया होगा, वो जो उनकी स्टेट थी वो पूरी उस गाने में है, और वो इतनी इजिली कन्वे मतलब मुझे कर पाए. और बाद में पता चला कि दिस सॉन्ग इज गोना कम इन मोतीचूर चकनाचूर. आई वॉज रियली रियली हैप्पी एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू सिद्धार्थ, बिकॉज मेरा कम बैक होने के बाद, मैंने ब्रेक लिया था बीच में, उसके कम बैक होने के बाद ही मेरा पहला गाना था जो रिलीज हुआ किसी फिल्म में. Wow. So please sing two lines of Jaage Rehna. Yeah, sure. Aaj jaage rehna ye raat sone ko hai. आज जागे रहना ये रात सोने को है, तेरी पलकों पे आंसू आए तो मेरा कांधा रोने को है, ये रात सोने को है. चुप चुप क्यों बैठे हो कह भी दो, गुमसुम से रहते हो कह भी दो, तेरे लब जो मेरी सरगम गाए तो फिर प्यार होने को है, मेरा दिल भी खोने को है. क्या बात है मानी, आई सरगम ने भी इसीलिए, क्योंकि सरगम का नाम आया इस गाने में. तो मुझे एक्चुअली मैंने अभी फिलहाल भी जैसे अपना कंफर्टेबल स्केल होना शिखाली तो इजिली गाया जाता है. हमारा कंफर्टेबल स्केल होना उसके लिए बहुत जरूरी है. और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स की, सबने जिन्होंने भी मुझे गाने जो मेरे रिलीज हुए हैं वो मेरे कंफर्टेबल स्केल पर ही हैं. सो या एंड आई डोंट अटेम्प्ट, बेसिकली आई डोंट अटेम्प्ट ओनली टू दोस सॉन्ग्स व्हिच आर नॉट इन माय स्केल. तो मैं जाके मना ही कर देती हूँ कि नो आई वोंट बी सिंगिंग दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट इन माय स्केल. मतलब जी बारी यू नो डेब्यू की एज अ कंपोजर एंड यू नो बॉम्ब तो उन्होंने फोड़ा है, असल में बॉम्ब तो अरिजीत सिंह ने फोड़ा है. I saw one of the clip की जहाँ पे सनी and सनी ने production किया इस गाने का, अरिजीत ने गाना किया है, and I saw one video where they both were live and आपने join किया था, and उसमें से तो हिमानी ने join किया, कुछ तो वो भी वो story तो जानेंगे. I was in the comments actually. So tell me about थोड़े कम अजनबी. So थोड़े कम अजनबी happened in भरा lockdown. Because the film was supposed to come on floor in October, I believe, आने वाली थी, लेकिन because lockdown और सब हो गया वो film का release shift हुआ. और music इसका अरिजीत सिंह कर रहे हैं, ऐसा मुझे call आया तारसे मित्तल का, उनके जो manager है, उन्होंने call किया मेरे birthday वाले दिन. और मैं उस दिन just flights शुरू ही हुए थे लॉकडाउन के बाद, जस्ट फ्लाइट्स बिगिन ही हुए थे अभी, रोज के सिर्फ 5-6 फ्लाइट्स चल रही थी समवेयर इन जुलाई. उस टाइम पे जुलाई, हां नो अगस्त, अगस्त. सो अगस्त में आई हैड कम फॉर सम वर्क टू बॉम्बे, और मैं वापस जा रही थी बॉम्बे से फरीदाबाद अपने घर, होम टाउन मेरा. तो वहां मैं जा रही थी और मैं फ्लाइट में थी उस समय, तारसे मित्तल कॉल्ड एंड ही इज लाइक हिमानी आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू. आई एम लाइक जल्दी बताओ, फ्लाइट उड़ने वाली है और मेरे पास मुझे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे जानना है, अभी जानना है क्या बर्थडे गिफ्ट है मेरे लिए. तो इट्स लाइक कि एक गुड न्यूज़ तो ये है पहले कि अरिजीत इज कमिंग एज अ कंपोजर, एंड आई वाज सो हैप्पी टू नो दिस बिकॉज़ अ टैलेंटेड फिनोमिनल पर्सन लाइक हिम शुड बी डूइंग समथिंग ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, एंड दैट्स व्हाट ही कीप्स ऑन डूइंग, ही डज ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ. चेरी ऑन द केक इज सनी. 110% सनी का काम और सनी का अरेंजमेंट सब करना, उसकी प्रोडक्शन, वो टू द नेक्स्ट लेवल ले जाता है गाने को. और उसका मिक्स और मास्टर इतना कमाल किया उन्होंने गाने का,
मजा ही आ गया. सो दैट्स तार से मैंने बोला कि हिमानी हम चाहते हैं कि तुम्हारी इस मूवी में, मूवी का नाम है पगलैट, उसमें तुम एक गाना गाओ. और आई वॉज रियली हैप्पी एज लाइक यार ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है. और दो दो अच्छी न्यूज है कि अरिजीत एज अ कंपोजर आ रहा है, और दूसरी की मुझे उसमें गाना मिल रहा है. उसकी पहली फिल्म डेब्यू, म्यूजिक कंपोजर की जो पहली फिल्म है उसमें मैं गाना गा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. चेरी ऑन द केक इज दैट ही इज, और एक वर्जन है हमारा जिसमें उन्होंने मेरे साथ डुएट गाया है. सो वो मेरे लिए ज्यादा खास है, मेरे सोलो वर्जन से ज्यादा खास मेरे लिए वो है जिसमें अरिजीत की आवाज है. बिकॉज इट्स लाइक अ ड्रीम कोलैबोरेशन टू बी इन वन सॉन्ग वेयर अरिजीत इज आल्सो सिंगिंग. इट्स अ ड्रीम कोलैबोरेशन. तो व्हेन ही डब्ड यू, कैसा था एक्सपीरियंस? कैसे डब किया आपने? वहीं से फरीदाबाद से डब किया या यू वो हियर, लाइक कहाँ पे डब किया था आपने गाना? एक्चुअली तो अरिजीत ही अपने गांव में था, जिस जहाँ वो रहते हैं, कलकत्ता के पास जो उनका घर है वो वहीं पे थे. और उन्होंने ही सभी जितने भी आर्टिस्ट है सबने खुद रिकॉर्ड कर करके भेजा है उनको, किसी के साथ भी नहीं थे वो. तो लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली स्टूडियोज ही बंद थे. अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज रेमंड, वो चंडीगढ़ रहते हैं. और मैं उस समय अपनी मासी के यहाँ थी, अम्बाला गई हुई थी. तो मैंने रेमन को फोन किया कि रेमन चंडीगढ़ में कोई स्टूडियो अब हमें मिल सकता है क्या, हमें एक अर्जेंटली गाना रिकॉर्ड करना है. तो रेमन ने स्टूडियो खुलवाया रिक्वेस्ट करके, एक इंजीनियर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्टूडियो ओपन करवाया. और रेमन ने स्पेशली ये सारा मेरे लिए अरेंजमेंट करके दिया. मेरी थैंकफुल टू हिम, ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग नाउ. सो मैंने ये गाना चंडीगढ़ जाके रिकॉर्ड किया, और 2 दिन लगे एक्चुअली. एक दिन जाके रिकॉर्ड किया, वापस आई तो अरिजीत ने सुना. अरिजीत ने बोला मैंने तेरे को कहानी सुनाई थी क्या मूवी की? मैंने बोला नहीं तूने नहीं सुनाई कहानी. ओहो अच्छा अभी सुना देता हूँ, तो तू थोड़ा और फील करके गा पाएगी. मैंने बोला ठीक है तू कहानी सुना. तो पूरा लाइक आधा पौना घंटा हमने उस सिचुएशन के बारे में बात हुई, गाने की क्या सिचुएशन है, फिल्म कहानी का क्या जिस्ट है, किस बेसिस पे कहाँ है. तो जब उसने ये सारा बताया तभी मैं जो लिरिक्स हैं उनके साथ, लिरिक्स के साथ इजिली मैं कनेक्ट कर पाई. जो करेक्ट. नीलेश मिश्रा जी ने लिखे हैं, बहुत कमाल लिरिक्स लिखे हैं नीलेश जी ने. और वो जो लिरिक्स है उनका मायने, उनके मायने और उनमें क्या फीलिंग है, वो क्या है, जब वो अरिजीत ने पूरा एक्सप्लेन किया मुझे, तब मैंने वो लिरिक्स के साथ कनेक्ट किया. और मैंने अरिजीत को बोला कि यार एक बार और डब करूँ क्या, मेरा मन करता है एक बार और डब करती हूँ. तो उसने बोला हाँ मैं तेरे को कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि तू जाके एक बार और फील करके डब करे. तो मैं अगले दिन गई और मैंने फिर से डब किया और मैंने उन्हें भेजा. और फिर उनका फोन आया, वीडियो कॉल आया, और ही वॉज वेरी हैप्पी. वाओ, या ही इज लाइक नहीं मैं नहीं बोलूंगी उन्होंने क्या बोला. लेट इट बी विद मी ओनली. सो या ही वॉज वेरी हैप्पी. दैट्स व्हाट आई want to say. I was in tears. Whatever he said, I was very happy. हाउ स्वीट. बिकॉज जब आपने सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे पोस्ट भी किया था ना कि कुछ बड़ा आने वाला है, तो नीचे ऑलरेडी कमेंट्स आ चुके थे क्या अरिजीत के साथ आपका गाना आ रहा है क्या? आई सॉ सो मेनी कमेंट्स. तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर लिया कि समथिंग विद अरिजीत. अब वो क्या है ये नहीं पता. सो प्लीज सिंग 2 लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग. थोड़े गम कम अभी हो, थोड़े से कम अजनबी मेरे दिल के घर में खिड़की नहीं है खुल गई, थोड़े से कम अजनबी, थोड़े से कम अजनबी, ख्वाहिश नहीं होठों की मुंडेरों पे छिपी है ठेरों, छोटी छोटी सी खुशी हो, थोड़े से कम अजनबी, अच्छी सी लगे है जिंदगी. थैंक यू फॉर शेयरिंग सच लवली लवली सीक्रेट्स. जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा काम करवाऊंगी, बहुत इजी है, एंड दैट इज जी यू सिंग इन योर स्टाइल
सुनिए 9XM सॉन्ग सीक्रेट विद शेफाली ऑन 9XM। हाय, मैं हूँ हिमानी कपूर, आप मुझे सुन रहे हैं 9XM सॉन्ग सीक्रेट्स पे, और मेरा आप सबसे मैसेज ये है कि मेरा नया गाना थोड़े कम अजनबी को आप ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच हिमानी, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। आप ऐसे अच्छे अच्छे गाने गाते रहिए एंड जल्दी हम ऐसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। वैसे तो आई डोंट नो कब मिल पाएंगे, बट पॉडकास्ट जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिफाली, बाय बाय बाय। Available on EP Log Media and other leading podcast platforms.